नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वावलंब बनाने के लिए बिहार सरकार ने साल 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना में अनुसूचित जाति, वहीं अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और युवाओं के लिए इस योजना को शुरू करवाया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी को चयन के बाद अपना निजी उद्यम लेने का सरकार द्वारा 10 लाख तक पैसा बिना ब्याज के आधार पर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ अधिकतम 50% यानी 5 लाख तक सरकार द्वारा सहयोग भी दिया जाएगा। आप इस योजना के लिए उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा चयन कर एक लिस्ट भी जारी की जाएगी। इस योजना को बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 के आधार पर चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों में युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वयं के लिए उद्योग लगाने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है। योजना के जरिए सूबे में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो, यही सरकार का उद्देश्य है। इसी के साथ इस योजना के तहत जो लोग आवेदन करेंगे उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी होगा कि व्यक्ति बिहार का नागरिक हो, साथ ही वह अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला या युवा वर्ग का हिस्सा हो, एजुकेशन के तौर पे कम से कम 12वीं तक पास हो और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ITI पास हो। लाभुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष हो और प्रस्तावित फॉर्म पर नाम में चालू बैंक खाता भी होना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक आवेदन के दौरान करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोन मंजूरी के बाद करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र 12वीं या उसके समक्ष योग्यता का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र पे महिला, अगर वो महिला है तो महिला के मामले में पिता का नाम आधार कार्ड पर जिस जाति से होगा वही अंकित होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड, संगठन प्रमाण पत्र, महीने भर के अंदर खींची गई फोटो, हस्ताक्षर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और रद्द किया गया चेक भी आवश्यक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।